श्री अमरनाथ गुफा का महात्म्य हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में, जिससे हमें यह ज्ञान होता है कि श्री अमरनाथ जी बर्फानी की पवित्र गुफा का कितना महान महत्व। इसी गुफा में भगवान श्री भोले महादेव अमरेश ने माता पार्वती को अमर कथा का महात्म्य व अमरत्व का रहस्य सुनाया था। अमर कथा के महान महत्व को ध्यान में रखते हुए भगवान सदाशिव यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि इस कथा को निर्विघ्न अर्थात बिना किसी विघ्न बाधा के सुनाया जा सके एवं माता पार्वती के अतिरिक्त और कोई भी प्राणी जीव जंतु इस अमर कथा को ना सुन सके। अतः उचित व निर्जन स्थान की तलाश करते हुए सर्वप्रथम भोले भंडारी भगवान शंकर बैलगांव पहुंचे, जो भाषा के उच्चारण प्रभाव के कारण आज बिगड़कर पहलगाम के नाम से प्रसिद्ध है। और यही वह पावन स्थल है जहां शिव शंभु ने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात उन्होंने चंदनबाड़ी पहुंचकर अपनी जटाओं अर्थात केशों से चंद्रमा को मुक्त किया और इसके पश्चात शेषनाग नामक झील के किनारे पहुंचकर कैलाशपति ने अपने गले से सर्पों की माला को भी उतार दिया। अमर कथा के अनुसार शेषनाग पर्वत पर नागों की आकृतियां आज भी विद्यमान है और ऐसी मान्यता है कि भाग्यवान भक्तों को आज भी साक्षात नाग देवता के दर्शन होते हैं। इसके बाद भगवान शिव शंकर ने अपने प्रिय पुत्र भगवान गणेश को महागुनुस पर्वत पर छोड़कर आगे बढ़ गए। महागुनुस अर्थात महागणेश। आगे बढ़ते हुए पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर पंचतत्वों के स्वामी भगवान शिव ने पंचतत्व अर्थात पृथ्वी जल वायु अग्नि एवं आकाश का महापवित्र गुफा में प्रवेश से पहले परित्याग कर दिया। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती के साथ भगवान शिव ने गुफा में प्रवेश से पूर्व सर्वप्रथम तांडव नृत्य किया। वस्तुतः तांडव नृत्य सृष्टि के त्याग का प्रतीक माना जाता है। अंतोत्गत्वा अपना सर्वस्व परित्याग करने के उपरांत भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ गुफा में प्रवेश किया। भगवान शंकर अपनी मृगछाला को बिछाकर उस पर आसित हुए एवं माता पार्वती को अमरनाथ की इसी पावन व पवित्र गुफा में अमर कथा के अमरत्व का महत्तम सुनाया था, जहां आज भी भोले बाबा बर्फानी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी प्राणी अमरनाथ की यात्रा करता है, जहां पर भगवान शिव शंकर बर्फानी अपने हिमरूप अर्थात बर्फ के शिवलिंग के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसके दर्शन मात्र से ही प्राणी जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति का वरदान पाते हैं एवं अकाल मृत्यु व सभी रोगों और कष्टों से मुक्त हो अपना जीवन सफल बनाते हैं। तभी तो वर्षों से आज भी यहां भक्तों का श्रावण माह में तांता लगा रहता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन आकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। आइए हम सब भी अमरनाथ की यात्रा का आनंद उठाकर भोले भंडारी की कृपा के पात्र बने एवं अपना जीवन सफल बने। बोलो जय अमरनाथ बर्फानी, भूखों को अन्न देते प्यासों को पानी। तो प्रेम से बोलिए जय अमरनाथ बर्फानी की जय।